कबीर के आश्रम कुटीर के पास एक वेश्या का मकान था, 3 मंजिला। कबीर अच्छे महात्मा थे, 15-25 भगत रोज पहुंच जाया करें शाम को, खंजड़ी रख दें और फिर भजन शुरू हो जाए। गद्य और पद्य दो तरीकों से उपदेश होता है। ये पद्य में उपदेश है, संतों सो निज देश हमारा। हमें कदाचित ये याद हो गया तो हम घर बैठे बैठे भी गुनगुनाया करेंगे, और गांव भर यदि कीर्तन में बोल दिया तो गांव भर गुनगुनाया करेगा। तो ये उपदेश इन भजनों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की रक्षा हुई है। जहाँ पढ़ाई अंगूठा छाप है वहाँ ये भजन सबको याद है। जैसे राजस्थान, रात रात भर यही भजन चलते रहेंगे और समझते हैं लोग, कनरगल नहीं। और दूसरा है जो गद्य में उपदेश दिया जाता, वो तो शाम को लोग पहुंच जाए, खंजड़ी पर पे हाथ पड़ जाए और भजन होने लगे। वो अप्सरा भी बड़ी नामजद थी, बड़ी अच्छी डांसर थी, कलाकार थी, वहाँ भी 5-10 आदमी पहुँचे रहे रोज। उस पत्रिया को इस बात का दुख था कि पता नहीं कहाँ से मुड़िया आके टिक गया। इसकी उपदेश ही सुन के आधा गाहक तो भड़क के उधर चले जाते हैं, हमारा तो रोजगारे चौपट है। वो चाहती रही कि इनकी कुटिया फूंक देता कोई तो ठीक रहा। एक दिन जब वो डांस के लिए जहाँ तैयार हुई थी, कुछ दर्शक लोग बैठे थे और इतने में इधर खंजड़ी पे हाथ पड़ गया। कहत कबीर सुनो भाई साधो पार उतर गए संत जनारे। तब वो झजक के बोला, वो श्रोता बोले, इन मुड़ियों ने तो दिमाग खराब कर दिया। प्रिय तुम कहो तो इनकी झोंपड़ी में आग लगा दे। तो उसका बहुत दिन से मन था, कर दिया इस तरह, झोंपड़ी में लग गई आग। और कबीर पेड़ के नीचे बैठे थे, कीर्तन वहीं हो रहा था नीम के पेड़ के नीचे। तो वो तो महात्मा और भगत लोग खंजड़ी फेंक के अपनी अपनी बुताने के लिए दौड़े। तो कबीर बोले, रुको रुको रुको, जल जाने दो। वो जानते थे कोई आग तो लगी नहीं, कोई लगाया है, बोले जल जाने दो। वर्षा बीती गई है, जाड़े के लिए पेड़ की छाया बढ़िया है, यहीं धुना रमाएंगे। भजन क्यों छोड़ते हो यार, एक झोंपड़ी में क्या रखा है, छोड़ो झोंपड़ी झोंपड़ी नहीं बुताया, भजन में लगे रह गए आंख मूंद के अपन। भगवान ने देखा, भगवान का मन, कि ससुरी पीछे यहां तक पड़ी कि आग तक लगा दिया। पतरिया के महल के पर्दे में आग छू गई, छप्पर लगता है उससे कुछ नरम रहा वो तो बुत गई, और पर्दे में लग गई, फिर अंदर फर्नीचर में लग गई, पूरा 3 मंजिला महल लगा जलने नीचे से ऊपर तक। और लोफर कंपनी कूद कूद के भाग गए, पड़ गई अकेली। अब मचाई हल्ला, उस सोचा महाराज के पास इतने लोग बैठे हैं, दौड़े तो बुता दें। बोले, अरे महाराज रक्षा करो, हमारे जीवन भर की कमाई इसी में है। और भी खंजड़ी का ताव तगड़ा हो गया और ठाट से गाने लगे सब। वो समझ गई कि आग हमने लगाया, महाराज को मालूम हो गया कि वह आग हम ही ने लगवाया है। तब दौड़ के आई और मूड़ी पटक के गिर पड़ी। बोले, अरे महाराज क्षमा करें, हमारा कोई दोष नहीं है, हमारे यारों ने आपकी कुटिया में आग लगा दिया, हमारा कोई दोष नहीं है। तो कभी न कहा, रुको रुको खंजड़ी बंद करो भाई, न तुम्हारा कोई दोष है न हमारा कोई दोष है, तुम्हारे यारों ने हमारी कुटिया में आग लगा दिया, हमारे यार ने तुम्हारे महल में आग लगा दिया। ये तो यारों यारों का झगड़ा, उन्हें लड़ने दे, तुम भी ले एक खंजड़ी कर भजन। बोले, महाराज अब करूं क्या? बोले, भजन करो और क्या करेगी। तो महापुरुष के सामने खल भी आते हैं, सज्जन भी आते हैं, मध्यम भी आते हैं, और सबको राह ही मिलती है। साधुते हो इन कार्य हानी, इन सने हटी करी हूँ पहचानी। साधु से कभी कार्य की हानि नहीं होती।